क्या होगा गाइस अगर आपको एक छोटे से आइलैंड पर स्पॉन कर दिया जाए तो क्या आप सरवाइव कर पाओगे। तो ऐसा ही कुछ मैं आज की वीडियो में ट्राई करने वाला हूँ 25 डेज इन माइनक्राफ्ट आइलैंड। तो गाइस डे वन की स्टार्टिंग में मैं स्पॉन हो गया था और मेरे सामने एक ट्री था और जो माइनक्राफ्ट का बेसिक चीज़ है वो है ट्री को तोड़ना। तो मैं चलेगा ट्री को तोड़ने। और गाइस वुड को तोड़ने के बाद मैं सबसे पहले उसका प्लैंक बना लिया, फिर क्राफ्टिंग टेबल के साथ स्टिक क्योंकि मुझे टूल्स भी बनाना था और मुझे माइनिंग पे आना था। तो मैंने सबसे पहले एक शॉल बनाया, एक पिकेक्स बनाया और साथ ही में एक एक्स बनाया। और फिर मैं आइलैंड को प्लेन करने लग गया क्योंकि मुझे डट की भी ज़रूरत थी, इसके लिए मैं आइलैंड को प्लेन कर रहा था क्योंकि ये ऊपर नीचे बहुत था। और गाइस डट तोड़ते तोड़ते मेरी शॉवल भी ख़त्म हो गई थी। फिर गाइस मैं चले गया ट्री के पास सैपलिंग लेने के लिए और मुझे एक सैपलिंग वहाँ पे मिल भी गई थी ट्री से। और गाइस वहाँ पर मुझे एक और सैपलिंग मिल गई तो मेरे पास दो सैपलिंग हो गई थी। तो मैं वो दोनों सैपलिंग को मैंने प्लेस कर दिया क्योंकि मुझे वुड की भी ज़रूरत थी। फिर गाइस मैं चले गया माइनिंग करने के लिए। गाइस पहले मैंने सोचा कि मैं स्ट्रेट माइनिंग करूंगा लेकिन अगर मैं स्ट्रेट माइनिंग करा तो मैं ऊपर कैसे आऊंगा, इसके लिए मैंने स्ट्रेट माइनिंग करने का प्लान को कैंसिल कर दिया। फिर गाइस मैं स्टेयरकेस वाली माइनिंग करने चले गया क्योंकि अगर आप स्ट्रेट माइनिंग करोगे तो आप नीचे लावा में भी गिर सकते हो और अगर आपको ऊपर आना है तो आपने जो ब्लॉक कलेक्ट किया तो आपको वही ब्लॉक लगा के ऊपर आना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप स्टेयरकेस वाली माइनिंग यूज़ करा करो क्योंकि वो सबसे सही रहती है। फिर गाइस मैं थोड़ी देर माइनिंग किया और मुझे वहाँ पर कॉपर दिख गया और कॉपर वुडन पिकैक्स से तो मिलता नहीं है, इसके लिए मैं स्टोन पिकैक्स बनाने लग गया क्योंकि मुझे कॉपर भी चाहिए था और मैंने स्टोन पिकैक्स बना के वो कॉपर को कलेक्ट कर लिया। फिर गाइस थोड़ा और देर माइनिंग करने के बाद मुझे वहाँ पर कोल भी मिल गया जिससे मैं टॉर्च बना सकता था। तो केव में बहुत अंधेरा था इसके लिए मैंने सबसे पहले टॉर्च बना के टॉर्च को प्लेस कर दिया और जैसे मैंने टॉर्च को प्लेस किया वैसे ही वो केव में उजाला हो गया। और गाइस माइनिंग करते करते डे वन भी ख़त्म हो गया था और डे टू से डे फाइव चालू हो गया था और मैं तब तक के फिर भी माइनिंग कर रहा था। और गाइस माइनिंग करते करते मुझे वापस एक कोल मिल गया और ये कोल बहुत ज़्यादा था तो मैंने इसे भी कलेक्ट कर लिया। फिर गाइस कोल कलेक्ट करने के बाद मैं थोड़ी और माइनिंग करने के लिए निकल गया। और गाइस माइनिंग करते करते मेरी पिकैक्स भी टूट गई थी। और गाइस मैं एक न्यू पिकैक्स बना लिया फिर मैं और माइनिंग करने लग गया। तो गाइस मैं माइनिंग कर ही रहा था कि मुझे आयरन भी मिल गया और मैं उस आयरन को कलेक्ट कर लिया। और गाइस मुझे टोटल वहाँ पर चार आयरन मिले थे तो मैंने वो सबको कलेक्ट कर लिया और मैं थोड़ी सी और माइनिंग करने लग गया। और गाइस माइनिंग करते करते मेरी पिकैक्स एक और बार टूट गई तो अभी मुझे ऊपर जाना था क्योंकि मेरी पिकैक्स टूट गई थी और मुझे ऊपर का नज़ारा देखना था कि ऊपर कैसा है, तो मैं ऊपर जाने लग गया। और गाइस जैसे मैं ऊपर गया वहाँ पर सनराइज़ हो रहा था, मतलब हमारा
डे 2 से डे 5 भी खत्म हो गया था और अभी स्टार्ट हुआ था डे 6 से डे 10। और गाइस वहाँ पर एक शिप भी स्पॉन हो गई थी, तो सबसे पहले मैंने क्राफ्टिंग टेबल लगा के एक फर्नेस बना दिया क्योंकि मुझे शेयर्स भी बनाना था। और अगर मैं शेयर्स से शिप के ऊपर यूज़ करूँगा तो मुझे वूल मिल जाएगा, इसके लिए मैं आयरन को स्मेल्ट करने लग गया। और गाइस मेरे 2 आयरन स्मेल्ट भी हो गए थे तो मैं शेयर्स बना लिया सबसे पहले। और मैंने शेयर्स बनाने के बाद वो शेयर्स को शिप के ऊपर यूज़ भी कर लिया और मुझे 2 वूल मिल गए। और मुझे अभी एक और वूल की ज़रूरत थी बेड बनाने के लिए। तो गाइस मुझे माइनिंग से कुछ ब्लॉक्स भी मिले थे तो मैं वो ब्लॉक से थोड़ा अपनी केव के पास वो डेकोरेट करने लग गया। और मैंने केव के आसपास ग्रेनाइट लगा दिया और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा था, तो मैं सब जगह ग्रेनाइट लगा दिया केव के आजू बाजू। और गाइस ऐसा करते करते शाम भी हो चुकी थी और शीप के वूल भी आ चुके थे, तो मैंने उसे शेयर कर दिया और मुझे 2 वूल और मिल गए और मेरे पास 4 वूल हो गए। तो मैं बेड बनाने के लिए चले गया और गाइस मैंने वहाँ पर बेड भी बना लिया। और गाइस जैसे मैं बेड बना के सोने के लिए गया तो वहाँ पर आया कि मॉन्स्टर बाजू में, हम नहीं सो सकते। तो मैं वो मॉन्स्टर को ढूंढने चले गया और मुझे पानी के पास वहाँ पर ड्राउंड मिला, तो मैं वो ड्राउंड को मारने लग गया। और गाइस मैं ड्राउंड को मारने के बाद आके सो गया और हमारा डे 6 से डे 10 तक के यहाँ पर ख़त्म हो गया। और अभी चालू है डे 11 से डे 15। तो मैं सबसे पहले अपने आइलैंड पर टॉर्च लगाने लग गया ताकि कोई मॉब ना स्पॉन हो जाए हमारे आइलैंड पर। गाइस टॉर्च को लगाने के बाद मैं वुड को कलेक्ट करने के लिए चले गया क्योंकि मुझे वुड की ज़रूरत थी, इसके लिए मैं वुड को कलेक्ट करने लगा। गाइस वुड को कलेक्ट करने के बाद मैं वुड का प्लैंक्स बना लिया और प्लैंक्स बनाने के बाद मैंने उसका स्लैब बना लिया क्योंकि मुझे अपना घर भी बनाना था। और मैं घर आइलैंड में नहीं, आइलैंड से थोड़ा सा दूर बनाने वाला हूँ घर। और गाइस मैंने इतना एरिया बना चुका हूँ आप देख सकते हो। और मुझे बहुत सारी सैपलिंग भी मिल गई, तो अभी मैं वो सैपलिंग को कलेक्ट करके प्लेस कर देता हूँ। और गाइस सैपलिंग को प्लेस करने के बाद मैं थोड़ा माइनिंग पे चले गया। और गाइस माइनिंग करते करते मुझे एक और बार आयरन मिल गया और ये बहुत ज़्यादा आयरन थे, तो मैं इसे कलेक्ट करने लग गया। गाइस मैं केव से बहुत सारा आयरन कलेक्ट कर लिया और मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती नहीं तो। तो गाइस केव से बाहर आने के बाद सबसे पहले मैं अपना आयरन स्मेल्टिंग पे लगा दिया। और गाइस रात भी बहुत हो चुकी थी तो सबसे पहले मैं सो गया। और गाइस जैसे मैं सुबह उठा वैसे ही हमारा डे 11 से डे 15 ख़त्म हो गया, अभी स्टार्ट हुआ डे 16 से डे 25। तो सबसे पहले मैं वुड को कलेक्ट करने लग गया क्योंकि मुझे घर भी बनाना है अपना, मैंने अभी तक के अपना घर नहीं बनाया। और गाइस मैंने अपना वो बेस के लिए छोटा सा आइलैंड भी बना लिया हूँ और मैं वहाँ पे अपना घर बनाऊंगा। तो गाइस मेरे आयरन भी स्मेल्ट हो चुके हैं तो मैं उसे ले लेता हूँ और उससे अपना थोड़ा आर्मर और टूल्स बना लेता हूँ। और गाइस मेरे आर्मर और टूल बनके रेडी हो चुके हैं। और अभी मैं अपने आर्मर को सबसे पहले पहन लेता हूँ और मेरा आयरन का आर्मर पूरा हो चुका है और मैं अपने आयरन को भी रख देता हूँ चेस्ट में।
गाइस मेरा फूड ख़त्म हो चुका है और मुझे थोड़ा हंगर बार मेरा डाउन हो रहा है, तो मुझे फ़िश को मार के खाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा हंगर बार पूरा डाउन हो जाएगा। हाँ तो गाइस मैं फ़िश को मार के ले आया हूँ, तो अभी मैं जल्दी से फ़िश को कुक कर लेता हूँ और अभी मैं थोड़ा अपना घर बना लेता हूँ। गाइस सॉरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, मेरे को लगा वीडियो रिकॉर्ड हो रही है लेकिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन मेरा घर बन चुका है, आप देख सकते हो कैसा लग रहा है मुझे बताना। और मैंने आइलैंड को भी थोड़ा प्लेन कर दिया हूँ और यहाँ पर 4 ट्री लगाए और बाकी के सैपलिंग अंदर रखे हुए, ये मैं बाद में ट्री के लिए अलग से आइलैंड बनाऊंगा। तो गाइस ये है हमारा घर का इंटीरियर, कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताना। तो गाइस ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, एडिटिंग करने में बहुत टाइम गया है, तो इसके लिए प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।